महिंद्रा थार एक काफी केपेबल गाड़ी है और हम सब इसको कहीं ना कहीं ओन जरूर करना चाहते हैं, पर जब हम इसे लेने का प्लान करते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं कि एक फोर सीटर गाड़ी जिसमें प्रैक्टिकली कोई बूट ना हो, क्या हम उसको ओन करने का डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। पर अगर ये 10 लाख से नीचे आए तो हम इसको अफोर्डेबल भी मानेंगे और इसको ओन करने के लिए ज्यादा श्योर हो जाएंगे। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द वहीकोहोलिक। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कैसे महिंद्रा ने थार को 10 लाख के अंडर प्लान किया है। ये अभी र्यूमर्स आ रहे हैं और लीक्स निकल के आ रहे हैं कि महिंद्रा थार को लॉन्च कर सकता है 10 लाख के अंदर। थार का एक नया वेरिएंट आएगा जो कि इसका बेस ट्रिम होगा, वो 10 लाख के अंडर होगा। मैं आपको महिंद्रा थार का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। महिंद्रा थार की फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी 2010 में। उससे पहले MM 540 के नाम से आती थी, जिसको रिप्लेस करके थार आई थी। उस गाड़ी ने काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर अचीव की और हमेशा वो सेल्स चार्ट में अच्छी जगह पे स्टैंड करती रही और लोगों की नज़रों में भी अच्छी बनी रही। कार की रीसेल कभी ख़राब नहीं थी, कार की परफॉर्मेंस कभी ख़राब नहीं थी और इतनी ज़्यादा मॉड फ्रेंडली थी कि हर कोई इसको लेके जितने अमाउंट में कार लेता था ऑलमोस्ट उतना ही अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड करता था, इसको और ज़्यादा कैपेबल बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा स्टडी बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा रोड प्रेजेंस के अपील देने के लिए। हमेशा से ये कार एंथुजियास्ट की पसंदीदा कार रही, पर इस कार में कई ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से हर ओनर कहीं ना कहीं परेशान था, क्योंकि उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं मिलती थी और हर वो इंसान जो इसको ओन करना चाहता था वो दो बार सोचता था कि क्या मैं ये कार ले सकता हूँ या नहीं। जो सारी कंप्लेंट्स महिंद्रा ने 2020 थार के साथ दूर कर दी, इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल और केपेबल बना के। 4x4 कॉन्फ़िगरेशन में आती है, बट इसमें हमें दो इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। एक है एम स्टेलियन 2 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 150 BHP की पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा है एम हॉक 2.2 डीजल इंजन जो कि 130 BHP की पावर और 300 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही इंजन्स ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं हर वेरिएंट में। महिंद्रा थार का जो बेस वेरिएंट था 6 सीटर AX, उस वेरिएंट की बुकिंग्स 1 साल से ज़्यादा की हो गई थी। उसके बाद महिंद्रा ने उस वेरिएंट को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, बट फिर भी अभी भी हर वेरिएंट की बुकिंग 6 से 8 महीने की कम से कम चल रही है और 50,000 से ज़्यादा बुकिंग्स तो महिंद्रा थार की पहले 6 महीने में ही हो गई थी लॉन्च के। और हम सबको पता है जो कार इतनी फेमस हो जाए उसको लोग ब्लैक मार्केट में उतार देते हैं। आज की डेट में कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो महिंद्रा थार की ऑन स्पॉट डिलीवरी दे रहे हैं, बट वो 1.5 लाख टू 2 लाख प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उसके एक शोरूम पे। आज की डेट में महिंद्रा थार की प्राइसिंग 12.12 लाख से शुरू होके 14.17 लाख तक जाती है एक शोरूम। और अभी इसी टाइम में न्यूज़ निकल के आ रही है कि महिंद्रा अपनी थार का एक वेरिएंट लॉन्च कर सकता है जो कि उसका बेस वेरिएंट कंसीडर किया जाएगा और वो 10 लाख के इर्द गिर्द या उसके थोड़ा सा नीचे आएगा एक शोरूम में। अब हम बात करते हैं कि हम इस कार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कार में 1.5 लीटर का एक छोटा इंजन दिया जाएगा जो कि ऑब्वियसली कम पावरफुल होगा एग्जिस्टिंग इंजन से, बट ये इंजन या तो मराजो और ब्लेरो से लिया जाएगा जो कि एक डीजल है, या फिर ये एक एम स्टेलियन पेट्रोल टर्बो इंजन जो महिंद्रा के पास अभी भी है मगर किसी कार में यूज़ नहीं हो रहा वो इंजन यूज़ किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है महिंद्रा दोनों इंजन्स को यूज़ करे, एम स्टेलियन इंजन को पेट्रोल के लिए और जो मराजो और ब्लेरो का इंजन है उसको डीजल के लिए। ये पावरफुल कम ज़रूर होगा मगर इसके साथ हमें उम्मीद है कि महिंद्रा ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन देगा। मुझे उम्मीद है कि महिंद्रा सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स ज़रूर देगा नो मैटर इसकी प्राइसिंग कितनी कम हो। और महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी का तो हमें पता ही है, थार की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स भी हो गई हैं, उम्मीद की जा सकती है कि ये कार भी इक्वलेंटली सेफ होगी। इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें होंगे 16 इंच के स्टील व्हील्स जो कि ऑफ रोडिंग में अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर लेंगे।
फीचर्स इसमें कम होंगे बट मुझे उम्मीद है कि पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी, सेंटर लॉकिंग और डिजिटल एमआईडी जैसे बेसिक फीचर्स इसमें दिए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक छोटे इंजन और छोटे अलॉयज की हेल्प से इसका वेट 70-100 kg तक भी रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली बेटर माइलेज प्रोवाइड करेगा और पावर टू वेट रेशियो कुछ हद तक मेंटेन कर लिया जाएगा। इस वेरिएंट का मेन पर्पस पावर डिलीवरी नहीं होगा, बट इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी एवरेज प्रोवाइड करेगी थार। और अगर ये थार सच में हमारी मार्केट में लॉन्च होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस होंगे मॉड्स के, और इसकी वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी काफ़ी ऊंचे चली जाएगी। मतलब स्टार्ट होते ही ये 3 से 6 महीनों की वेटिंग पे आ जाएगी और धीरे धीरे 8 से 10 महीने तक जा सकती है, क्योंकि थार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में चल रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ये थार सच में हमारी मार्केट में आए और हम इसको अफोर्डेबली ओन कर सकें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे वीडियोस दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।